आपके साथ नम्रता। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास रहा, ये बात गिनाने की जरूरत नहीं है। आप हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में कोरोना ने जीवन को बदल दिया। कोरोना की वजह से हर जगह पाबंदी लगी, लेकिन अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है। इसी बीच देश की आन बान और शान गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां पर पहली बार हर चीज और रस्मों को सीमित तरीके से अपनाया गया। जैसे कि हर साल विदेशी मेहमान भारत के गणतंत्र दिवस पर अतिथि रहते हैं, इस बार नजर नहीं आए। इस बार की परेड, झांकी और जनता के देखने के लिए दायरा सीमित किया गया। उसी क्रम में एक इतिहास भी रचा गया। जी हां, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में 18वीं बार 61 घुड़सवार रेजिमेंट का खास घोड़ा रियो परेड में शामिल हुआ। ये घोड़ा 4 साल की उम्र से देश की आन बान शान में हिस्सा ले रहा है। सेना की माने तो भारत में जन्मे हनोवरियन नस्ल के इस घोड़े की उम्र अब 22 साल है। इस साल तीसरी बार वो दुनिया के एकमात्र सेवारत घुड़सवार रेजिमेंट के दल का नेतृत्व करने में कामयाब हुआ। रियो को संभालने वाले कैप्टन की माने तो रियो बेहद खास घोड़ा है, वो कमांडर की बात समझता है। ये बेहद गर्व की बात है कि इस गणतंत्र दिवस पर वो 18वीं बार राजपथ पर 61 घुड़सवार रेजिमेंट के एक सदस्य के तौर पर नजर आया। 15वीं बार उस पर दल के कमांडर सवार हुए। यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें कि साल 1953 में स्थापित की गई 61 घुड़सवार रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेता रहा है। मैसूर लांसर्स, जोधपुर लांसर्स और ग्वालियर लांसर्स समेत 6 पूर्ववर्ती शाही सेनाओं की इकाइयों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई थी। 1918 में रेजिमेंट के पूर्वजों ने ब्रिटिश सशस्त्र बलों के साथ इसराइल में हैफा की महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी। रियो की देखरेख करने वाले अधिकारियों की माने तो उसका विशेष ध्यान वो रखते हैं। उन्होंने कहा, वो हमारी बात सुनता है और उसका पूरी तरह से पालन करता है। वहीं इस बार रियो को मेडल से भी नवाजा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस बार रियो को थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने मेडल पहनाया और जो मेडल मिला उसका नाम है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड। रियो को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एक समारोह के दौरान ये कमांडेशन दिया गया। परेड के इस शानदार घोड़े को परेड का सबसे अनुभवी घोड़ा माना जाता है। रियो ने हर साल परेड में अपनी भागीदारी को दिया है। रियो जिस रेजिमेंट में काम करता है वो रेजिमेंट दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ने युद्धकाल और शांतिकाल में कई अवार्ड जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर रियो कौन है और उसने क्या किया है और उसकी इतनी चर्चा क्यों रही है और क्यों सेना प्रमुख ने उसे मेडल पहनाया।